Hello, my dear students. I am Bhavna Mishra Pandey, and in today's class, we are going to discuss a very interesting poem, The Tale of Custard the Dragon. Uh, so, here actually, this poem is very long and it contains 14 stanzas. So, this is I am presenting part 1, and I think 6 7 stanzas we will cover here, and in the next part, rest of the stanzas we will do. So let's start the poem. First of all, about the poet. So, the poet of this poem is Frederick Ogden Nash. In your book, uh, this name Ogden Nash is written, but the full name is Frederick Ogden Nash. एंड हिज टाइम पीरियडीन ऑगस्ट नाइन जीरो हमेशा हल्की फुल्की पॉइट्री के लिए वो जाने जाते थे ऑफ विच ही रॉट ओवर फाइव हंड्रेड पीसेस विद हिज अनकल राइमिंग स्कीम्स ही वॉज डिक्लेयर द कंट्रीज बेस्ट नॉन प्रोड्यूसर ऑफ यूमरस पोइट्री तो वो जाने जाते थे किसके लिए ह्यूमरस पोएट्री के लिए ह्यूमरस यू कैन से मजाकिया ओके सो दिस इज एन इंट्रोडक्शन ऑफ़ द हैज अ अबाउट अ लिटिल गर्ल बेलिंडा बेसिकली शी हैड थ्री पेट्स सो द नेम ऑफ द गर्ल वॉज बेलिंडा एंड फर्स्ट ब्लैक किटन Named Ink, and students, you must remember this. First, black kitten, his name was Ink, then, gray mouse named Blink, yellow dog named Mustard, and a covered dragon named Custard.

so the poet has described every character to be brave except dragon which who is covered but the whole situation changes when a pirate attacked Balinda's house और सारी situation कब change हो जाती है जब एक pirate pirate का means होता है समुद्री डाकू लेकिन यहाँ पे pirate का means है कोई robber वहाँ आ गया था and वो जो robber वो जो लूटेरा जो डाकू था not समुद्री डाकू you can say here only तो जो वो डाकू था उसने बैलंडा के घर पे किया किया अटैक किया एंड उससे सारी सिचुएशन जो थी वो चेंज हो गई नो वन एल्स हैड द गट्स टू फेस हिम और किसी में इतना साहस इतनी ब्रेवनेस इतना डेयर नहीं था कि वो सिचुएशन को हैंडल कर सके इट वाज द ड्रैगन दैट किल्ड द पायरेट केवल वो ड्रैगन ही था जिसने उस पायरेट को किल किया ऑल द कैरेक्टर्स आर हैप्पी बिकॉज़ दे आर सेव्ड बाय द ड्रैगन but quickly change their thoughts and describe themselves to be more powerful had the situation not been so confusing for all of them. so now in this poem we will read all these things so let's start the poem here we will discuss stanza one first of all so balinda lived in a little white house with a little black kitten and a little gray mouse. And a little yellow dog and a little red wagon and a realio trolio little pet dragon. So guys, first of all, let's discuss about the rhyming scheme. So the rhyming scheme is, you can see here, house, mouse, A, A, then wagon, dragon, B, B. Alright, understood?

A, A, B, B. you must know this all right now here the poet says that once there was a little girl named balinda she lived in a little white house she lived with some creatures who were her pets Apne pets they were a black kitten a grey mouse a yellow dog and a little red wagon wagon means like a and a creature that the poet says was really and truly a dragon दिस रियलियो एंड ट्रूल ये केवल ऐसे ही दे रखा है वर्ड्स आर रियली एंड ट्रूली ये हैं तो वहां पे सच में एक ड्रैगन रहता था उसके साथ जो पेट्स थे उन सब पेट्स में से एक कौन था ड्रैगन था और राइट नाउ लेट्स टॉक अबाउट द लिटरेरी डिवाइस लिटरेरी डिवाइस मैं आपको बता चुकी हूँ ए ए बी बी नाव रेपिटेशन रेपिटेशन मीन्स किसी चीज को रिपीट करना सो हियर रिपीटेशन इज लिटिल 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 और राइट ये कंटिन्यूसली लिटिल 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 और राइट तो ये सारे वर्ड्स कंटिन्यूसली रिपीटिंग ओके सो दिस इज रिपीटेशन देन कम ऑग्जीमरॉन ऑग्जीमरॉन मीन्स हम जब वेन वी यूज टू वर्ड्स विद ऑपोजिट मीनिंग्स दो वर्ड्स जिनके मीनिंग्स बिल्कुल ऑपोजिट हों ओके okay. क्यों? क्योंकि यहां पे उसने यूज किया है ड्रैगन वर्ड एंड ड्रैगन के साथ उन्होंने लिखा है पेट ड्रैगन ड्रैगन कांट बी पेट राइट सो ऑगर राइट देन एनाफोरा एनाफोरा मीन्स रिपीटेड यूज ऑफ वर्ड्स एट द स्टार्ट ऑफ

देन रिफ्रेन रिफ्रेन क्या होता है रिपीटेशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन बार बार हम उस चीज को रिपीट करें क्या है एंड अ रेलियो एंड अ ट्रूलियो तो ये चीज जो है ये रिपीट होगी बार बार इसलिए किस इस चीज का एग्जाम्पल है रिफ्रेन रिफ्रेन मतलब बार बार वही चीज आना ओके okay? सो so, एक चीज आई वॉन्ट टू टेल यू मैंने आपको बोला था रेलियो एंड ट्रूलियो सो स्टूडेंट दिस इज पॉइटिक लाइसेंस रेलियो एंड ट्रूलियो ये किस चीज के लिए यूज किया है ये यूज किया है रियल एंड ट्रू के लिए स्पेलिंग्स हैव बीन चेंज्ड किस चीज के लिए एक म्यूजिकल इफेक्ट वो राइम्स बनाने के लिए रेलियो एंड ट्रूलियो ये राइम बनाने के लिए या म्यूजिकल इफेक्ट के लिए तो इसको बोलते हैं पॉइटिक लाइसेंस ऑल राइट

ये मैंने सारा आपको अच्छे समझा दिया है राइमिंग स्कीम देन 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 एनाफोरा लाइसेंस ये सारा मैं आपको समझा चुकी हूँ नाउ लेट्स मूव अहेड स्टांजा टू सो नाउ द नेम ऑफ द लिटिल ब्लैक किटन वाज इंक एंड द लिटिल ग्रे माउस शी कॉल्ड हिम ब्लिंक एंड द लिटिल येलो डॉग वॉज शार्प एज मास्टर्ड बट द ड्रैगन वॉज कवर्ड एंड शी कॉल्ड हिम कास्टर्ड सो द्लेन्सम ऑफ ऑल एनिमल्सा उसने पालतू जो जानवर बना रखे थे उन सबको यहाँ पे डिस्क्राइब करती है किस से उनके नेम से सो so, यहाँ पे पॉइंट बोलते हैं द नेम ऑफ ब्लैक किटन क्या है इंक ब्लैक किटन का नेम क्या था द नेम ऑफ द ब्लैक किटन वॉज इंक दे

और डॉगीज आपने स्ट्रे डॉग्स देखे हैं वो येलो कलर के होते हैं तो आप उससे कोरिलेट कर सकते हैं उसको मस्टर्ड एंड येलो कलर्ड फ्लार तो उससे उसने डॉग को कंपेयर किया उससे आप नाम याद रख लेना कवर्ड मीन वीकलिंग यानी कि वीक कायर कमजोर यू कैन से राइमिंग स्कीम इज द सेम एज आई टोल्ड यू बिफोर इंक ब्लिंक ओके ए एंड ए

Uh, then anaphora, repeated use of words at the start of two consecutive lines. Again, the same and the little, and the little. Here you can see and the little, and the little. Okay, this is anaphora. Then again, repetition of the word little. So many places you will see little, little, little. Alright, so these were the poetic devices. Now let's move ahead. This explanation given for you.

Anaphora, repetition, the word use of little. Alright. Have you taken the screenshot? I think yes. Let's move ahead with stanza third. Alright. So, stanza three Custard the dragon. Had a big sharp teeth and spikes on the top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose, and really or truly daggers on his toes. So, spikes means boys know very well what are spikes. They uh, means what is shoes, spikes wale shoes na? means something thin, kuch pointed surface jo hoti hai, that is called spikes. Alright. And uh, scales means uh, and

फायर के लिए भट्टी आप कह सकते हो राइट इन हिंदी नाइफ एक तीखा सा चाकू आप कह सकते हो और हिंदी में अपन उसको बोलते हैं कटार ओके नाउ सो द पॉइट डिस्क्राइब्स द ड्रैगन दैट इट टीथ एंड ये थर्ड जो थर्ड है ये पूरी तरह किसको डिस्क्राइब करता है कस्टर्ड को सो कस्टर्ड द ड्रैगन हैड बिग शार्प टीथ उसके बड़े शार्प टीथ एंड उसके टॉप पे क्या है बड़ी बड़ी सी आपने ड्रैगन की पिक्चर देखी होगी तो उसकी जो बॉडी होती है उसमें उसके ऊपर की तरफ क्या है? Spikes होते हैं स्पाइक्स होते हैं तीखे नुकीली सरफेस होती है दिस मीन्स दैट इट स्किन वॉज पॉइंटेड ऑन द टॉप ऊपर से उसकी स्किन क्या थी पॉइंटेड थी on the lower part it had scales which were bony plates to protect the skin इस तरह की plates थी जो उसके skin को protect करती थी his mouth had been compared to a fireplace because it is assumed that dragon can release fire from the mouth आपने कभी भी T V में भी देखा होगा तो T V में क्या दिखाया जाता dragon के मुँह से हमेशा क्या निकलता है fire और आग निकलती है तो यहाँ पे क्या लिखा है माउथ लाइक अ फायर प्लेस उसका मुंह कैसा था भट्टी जैसा यानी कि उसमें से हमेशा वो फायर प्रोड्यूस करता था चिमनी फॉर a नोज एंड उसकी नोज किससे कंपेयर की गई है चिमनी से जो कि स्मोक निकालती है क्या निकालती है विच पास आउट स्मोक हिज फीट आर लाइक अ शार्प नाइफ जैसे कि डैगर और उसके पाँव कैसे थे टोज अंगूठे के पंजे या जो भी है वो कैसे दिखते थे जैसे कि वो बहुत शार्प नाइफ हो उसमें सो वर्ड मीनिंग्स आई टोल्ड यू है हेड नाउ द एक्सप्लेनेशन एंड डैगर यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस also. That the point, how the does the point describe here the dragon? Everything is written over here. Then let's move ahead. I think you have taken the screenshot. Am I right? So let's move. Now the literary devices used in the stanza. Rhyming scheme is the same A A B B. Teeth underneath, nose, toes. Then simile. माउथ इज कंपेयर विद फायर प्लेस यानी की माउथ लाइक अ फायर प्लेस रिफ्रेन रिपीटेशन ऑफ अ सेंटेंस अगेन एंड अगेन बार बार रेलियो ट्रोलियो बार बार आ रहा है तो ये क्या है रिपीटेशन देन मेटाफर मेटाफर बच्चा क्या होता है मेटाफर भी कंपैरिजन की एक पोइट्रिक डिवाइस है बट जहाँ पे अपन एज और लाइक यूज नहीं करते ना वहां पे मेटाफर यूज होता है कंपैरिजन तो है लेकिन लाइक और एज का यूज होते ही वो सिमली बन जाती है चिमनी फॉर अ नोज तो उसकी नोज को किससे कंपेयर किया है चिमनी से जो कि क्या निकाल रही है धुआं निकाल रही है सो दिस इज द पोइट्रिक लिटरेरी डिवाइस और पोइटिक डिवाइस यू कैन से ओके नाउ लेट्स मूव अहेड Now stanza four. So here the point. Balinda was as brave as a barrel full of bears. And Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but custard cried for a nice safe case. So uh, Yahape. सो नाओ द पॉइंट एक्सप्लेन्स द इनर स्ट्रेंथ इनर स्ट्रेंथ मतलब अंदर की शक्ति और द ब्रेवरी ऑफ द वेरियस कैरेक्टर्स जो जो यहाँ पे एनिमल्स हैं या जो कैरेक्टर्स हैं उन सब की ब्रेवरी के बारे में द पॉइंट डिस्क्राइब्स ही क्या क्या कहते हैं ही सेज दैट बैलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ ग्रुप ऑफ बेयर्स इतनी ब्रेव है जैसे भालुओं का झुंड होता है ओके okay. भालू के लिए बोला जाता है कि एक बार वो अगर अटैक कर दे तो अपन उसे बच नहीं सकते थोड़ा सा uh, यू कैन से भयानक डेंजरस है ना डेंजरस एनिमल माना जाता है सो हियर द पॉइंट सेज दैट बैलिंडा वॉज एज ब्रेव एज अ ग्रुप ऑफ बेयर्स एंड इंक एंड ब्लिंक जो जो वो 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 और थे, थे? कैसे का भी शिकार कर सकते थे देवर इतने उनको यहाँ पे ब्रेव दिखाया गया है सो हियर शोइंग द ब्रेवरी ऑफ द किटन एंड द लिटिल माउस दैट इवन अ टाइगर वो टाइगर को भी हंट कर सकते थे देन द डॉग वाज वेरी ब्रेव जस्ट लाइक एन एंग्री टाइगर लिखा है ना टाइगर इन रेज यानी कि गुस्से में जो टाइगर हो उतना ब्रेव है वो डॉग जो कि जिसका नाम क्या है मस्टर्ड बट कस्टर्ड लेकिन इसके कंट्रास्ट में इसके बिल्कुल विपरीत कंट्ररी कैसा है कस्टर्ड कैसा है जो ड्रैगन जो इतना खुखार देखने में इतना खुखार है उसको कैसा दिखा रखा है सो अफ्रेड ऑफ एवरी थिंग दैट ही ऑलवेज डिमांडेड अ सेफ केस उसको क्या चाहिए अपने लिए एक सेफ केस चाहिए जिसके अंदर वो बंद हो जाए एंड वो वहाँ पे प्रोटेक्ट रहे सो दिस इज गिवन हियर इन दिस पोएम लिटरेरी डिवाइस लिटरेरी डिवाइस इज द सेम राइमिंग स्कीम इज द सेम दैट इज ए ए ए नोट करूं ए एंड बी बी राइट सो एलिटरेशन बैलिंडा वॉज एज ब्रेव एज ए बैरल फुल ऑफ बेर्स बैरल बेर्स ठीक है ना तो क्या है बी बी रिपीटिशन ऑफ साउंड देन इसमें एक और लिटरेटी डिवाइस है एज ब्रेव है ना तो ये क्या हो गया सिमली हो गई जो बैलिंडा है उसकी जो ब्रेवरी है दैट इज कंपेयर्ड विद किससे कंपेयर की है बेर्स से ठीक है देन मस्टर्ड की जो ब्रेवरी है मस्टर्ड वॉज एज ब्रेव जो डॉग है उसको किससे कंपेयर किया है टाइगर से तो यहाँ पे भी सिमली हो गई एंड एसोनेंस एसोनेंस मीन्स है वॉबल साउंड ए ठीक है ना Balinda was as brave as a barrel full of bears. तो यहाँ पे vowel sound जो a है उसका continuously इन्होंने repeat किया है. All right. So let's move ahead. This is the explanation which I already explained well. You can take the screenshot of this. You can note it down in your copy. और जैसे-जैसे मैं समझा रही हूँ आप इसको दो बार भी video को if you Uh, listen carefully, you know, guys. You will be able to answer all the questions asked by the examiners. So, don't worry, listen this twice, and all the doubts will be solved by its own. Okay, let's move ahead. Next slide. Here again, explanation is given. Take the screenshot of this too. Okay, move ahead.

बैलिंडा टिकल्ड हिम शी टिकल्ड हिम अनमर्सीफुल इंक ब्लिंक एंड मास्टर्ड दे रूडली कॉल्ड हिम दे ऑल सेट लाफिंग इन अ लिटिल रेड वैगन एंड रेलियो ट्रूलियो कवर्डली ड्रैगन सो टिकल्ड मीन्स ये जो वर्ड है टिकल्ड ये यूज किस लिए होता है जब अपन किसी को चिढ़ाते हैं ओके okay? स्ट्रोक मतलब यहाँ पे टीजिंग है, टीजिंग मतलब ओके क्रूरता या यहाँ पे हीरो की तरह यूज किया गया है वैसे अ नाइट नाइट मीन्स राजा किंग किंग आर्थर्स कोर्ट में एक राजा थे उनके लिए ये मतलब उपाधि थी उनके लिए उनके लिए यूज होता था तो यहाँ पे यू कैन से हीरो ठीक है सो बैलेंडा यूज टू स्ट्रोक द ड्रैगन इन अ वेरी क्रूअल वे उसको बहुत ज्यादा क्रूअली चिड़ाया करती थी कौन बैलेंडा इंक ब्लिंक एंड मस्टर्ड मेड फन ऑफ हिम बाय कंपेयरिंग हिम टू अट ने वहाँ जो किंग आर्थर का जो कोर्ट था वहाँ पे ये एक राजा थे एंड नाइट थे And, uh, वो उनको माना तो बहुत ब्रेव जाता था लेकिन उनमें साहस की कमी थी इसलिए वो वहां से भाग के चले गए तो इसको क्या इसको एक तरह से टंट्स पास करते थे कि तुम क्या हो तुम तो हीरो हो और तुम तो वो नाइट हो लेकिन तुम में क्या है करेज की कमी है सो दे यूज टू टीज द ड्रैगन वाइल सिटिंग इन देयर लिटिल रेड वैगन उनके पास एक लिटिल वैगन थी वैगन मींस गाड़ी थी उसमें बैठ के वो क्या करते थे दे मेक फन ऑफ लिटिल कस्टर्ड वही रेली और ट्रूलीओ कवर्ड ड्रैगन रेली और ट्रूलीओ मींस वही रियली ट्रूली वो क्या था एक ड्रैगन था जो कि कैसा था कवर्ड था नाउ द राइमिंग स्कीम अनमर्सिफुल पर्सीवल एलएल ओके वैगन ड्रैगन सेम Then, refrain, क्या है रिपीटेशन ऑफ सेंटेंस अगेन क्या and really or truly, ये तो repetition है पूरी पोयम में it will go the same. Okay, तो ये क्या है एक? Uh, repetition. Then, allusion, क्या है 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 एक का मतलब होता है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं कहीं से अब हमने यहाँ पे किसका रेफरेंस दिया है परसीवल का जो कि किंग के कोर्ट में क्या था एक किंग था और वो भाग खड़ा हुआ था वहां से बिकॉज ही हैड लैक ऑफ करेज उसमें सास की कमी थी तो वो हमने रेफरेंस यहाँ पे डाला है तो ये क्या है परसोनिफिकेशन हो गया ओके okay, तो अब चलते हैं अपन एक्सप्लेनेशन सो हियर द एक्सप्लेन इज गिविन यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस This will be helpful for you. You can note down in your copy diary anywhere. And now let's move ahead with literary devices. Rhyming scheme is the same A A B B. Then refrain, repetition of the same thing again and again. And uh, really or truly, oh, this is repetition. A use of word tickled him. Okay. Then allusion and then personification. Okay move ahead with stanza third balinda giggled till she shook the house and blink said weak uh, which is giggling for a mouse ink and mustard rudely asked his case when the custard cried for a nice safe cage so the poet says that दैट द बैलिंडा यूज टू लाफ सो दैट हर वॉइस इकोड इन द हाउस मीन एक तरह से वो घर को हिला देती थी घर को हिलाने का मतलब वो इतना जोर से हंसती थी कि पूरे घर में उसकी आवाज क्या थी उसकी गिगलिंग यानी कि उसकी लाफिंग जो थी वो घर में इको करती थी ओके एंड ब्लिंक ब्लिंक द माउस यूज टू लाफ एंड मेक अ साउंड ऑफ वीक वो किसका मतलब वीकिंग साउंड जो माउस जो साउंड करते हैं वैसा इतने जोर जोर से वो साउंड करता था विच इज गिगलिंग फॉर अ माउस वो क्या था मतलब जैसे माउस जो साउंड प्रोड्यूस करते हैं वैसा ब्लिंक जो है वो नॉइज साउंड यू कैन से प्रोड्यूस करता था एंड ऑन द अदर हैंड इफ यू सी इंक एंड मस्टर्ड वुड टीज हिम बाय आस्किंग द ड्रैगन हिज एज ही यूज टू डिमांड फॉर अ नाइस सेफ केस जब भी वो कस्टर्ड जब भी चिल्लाता था किस चीज के लिए सेफ केस के लिए कि मेरे को तो केस में बंद कर दो तो इंक एंड मस्टर्ड क्या करते थे रूडली उसकी एज पूछते थे इट मींस कि तुम कितने बड़े हो तुम कितने साल के हो मतलब केस में तो किसको छोटे छोटे उनको बंद किया जाता है और तुम इतने तुम्हारी एज क्या है तो इन दिस वे दे ऑल यूज टू टीज हिम हुई सो लिटरेरी डिवाइसेस हाउस एंड उस माउस ए एन केज एज इज बी एंड बी राइट ऑनमोटोपोया ओनमोटोपोया मीन्स जब हम साउंड जो है साउंडस को यूज करते हैं कोई ड्रामेटिक सॉरी ड्रामेटिक इफेक्ट के लिए जैसे यहाँ पे वी हैव यूज गीगल्ड

They heard, suddenly, suddenly, they heard an nasty sound and Mustard growled and they all looked around. Meok cried, Ink, and Oh! cried Belinda for there was a pirate climbing in the window. So, while all of them were making fun of the dragon, when all of them were making fun of the dragon, कस्टर्ड के साथ दे हर्ड अ साउंड उन्होंने एक साउंड सुनी नेस्टी साउंड नेस्टी मींस जो कि अच्छी ना हो बैड अनप्लेसेंट ऐसी साउंड सुनी एंड मस्टर्ड ग्रॉवेल्ड और ये कैसी थी कि कोई घर में एंटर कर रहा हो ऐसी साउंड उन्होंने सुनी व्हेन दे लुक्ड टुवर्ड्स द विंडो दे सॉ अ पायरेट उन्होंने क्या देखा एक पायरेट देखा पायरेट मींस एक डाकू कोई रॉबर यू कैन से एंड ही वॉज क्लाइंबिंग अप द वॉल, द डॉग एट हिम एंड द किटन मियोड मस्टर्ड मस्टर्ड यानी डॉग ही ग्रॉबल्ड यानी उसके भौंकने की आवाज आई बार्किंग का साउंड आया एंड उसने चारों ओर देखा एंड इंक यानी कि जो इंक था किटन उसने भी मियाऊ की साउंड करी बैलिंडा क्राइड ओह लेकिन वहाँ पे था कौन बैलिंडा क्राइड ओह बिकॉज ऑल ऑफ वर्स कैड ऑफ द पायरेट क्योंकि वो क्या होते हैं वो तो रॉबरी के लिए आया था वहाँ पे दैट्स वाई बेलिंडा क्राइड तो बैलिंडा वहाँ पे चिल्लाई सो गाइज हियर विंडा दिस वर्ड विंडा इज रिटन एक्चुअली किस लिए लिखा है ताकि इसको मैच किया जा सके साउंड को बैलिंडा Winter. all right sound around so a a b b this is the rhyming scheme all right and consonance is also given here suddenly suddenly they heard a nasty sound kya hai ye? suddenly suddenly ye kya hai consonance use of sound s sound suddenly suddenly sound s s s nasty ठीक है, है, फिर भी क्या है? Dramatic effect के लिए जब कोई हम साउंड यूज करते हैं उसने क्या मस्टर्ड ने क्या किया ग्रॉवलिंग गुर्राया एक तरह से ठीक है बार्किंग बहुत जोर से देन म्यूक किसने किया ये Bl uh, उसने इंक ने राइट देन पोइटिक लाइसेंस अगेन यूज्ड पॉइटिक लाइसेंस यहां पर यूज किया है विंडो इज रिटर्न एज विंडा टू क्रिएट राइम राइम बनाने के लिए बैलिंडा के साथ विंडा को राइमिंग करने के लिए ये वर्ड यूज किया है सो दिस इज द पॉइटिक डिवाइस यूज यो एक्सप्लेनेशन इज गिविन यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस ऑल राइट सो यू कैन टेक द स्क्रीन शॉट ऑफ दिस ओके So guys, you take screenshot of this and rest 6-7 stanzas we will do in the next part. Alright, so here we will sum up. So how was the video? And if you have any query, you can ask me in the comment section. And in the next video, we will discuss the part 2 of this poem. So keep watching. Stay connected. Bye bye for now.